हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम यू ऑल इन योर ईवीएस क्लास आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट स्टूडेंट टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम लेसन लेसन नंबर थ्री आर फूड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक सोर्सेज ऑफ फूड फ्रॉम वेयर वी गेट द फूड वी गेट द फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल हमको खाना कहाँ कहाँ से मिलता है प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रेन्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस वेजिटेरियन किन को कहते हैं जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं जैसे फ्रूट्स को खाएंगे वेजिटेबल्स को खाएंगे ग्रीन्स को खाएंगे उनको वेजिटेरियन बोलते हैं एंड हु आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन सम पीपल ऑल्सो ईट एनिमल प्रोडक्ट लाइक मीट फिश एग एक्सेट्रा दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन वो होते हैं जो एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं एनिमल प्रोडक्ट एनिमल गिवस मिल्क एग मीट फिश एक्सेट्रा एनिमल से हमको क्या क्या मिलता है बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे मिल्क एग मीट फिश ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं एनिमल से मिलती है वी गेट दीज from वेरियस सोर्सेज लाइक एग from द पोट्री मिल्क from द मिल्क मैन मीट फॉर the द etc. हमको एग्स कहाँ से मिलता है पोट्री से मिलता है ठीक है मिल्क हमको कौन दे के जाता है मिल्क मैन अंकल दे के जाते हैं मीट हम कहाँ से लेते हैं बेल्चर की शॉप से ठीक है द रिटेल शॉप कीपर गेट फूड आइटम्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस जो रिटेल शॉप कीपर्स होते हैं ना उनको खाना कहाँ से मिलता है फ्रॉम वेयर दे गेट द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड दे गेट द फूड फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज उनको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से खाना मिलता है ठीक है जो रिटेल शॉप कीपर होते हैं ये कौन होते हैं जो सामान को ना कुछ कुछ के में बेचते हैं लाइक वन के जी टू के जी और फाइव के जी उनको बोलते हैं रिटेल शॉपकीपर जैसे आपके घर के आसपास जो दुकान होती है जिसमें अंकल लोग ग्रोसरी के सामान भेजते हैं उनको ही बोलते हैं रिटेल शॉपकीपर प्लांट प्रोडक्ट नाउ वी विल डिस्कस व्हाट वी गेट फ्रॉम प्लांट प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं प्लांट से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं प्लांट्स प्रोवाइड फ्रूट्स वेजिटेबल सीरियल पर्सेस एक्सेट्रा प्लांट से हमें बहुत सारा क्या मिलता है फ्रूट्स मिलते हैं वेजिटेबल्स मिलते हैं सीरियल्स मिलते हैं पल्सेस मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वी गेट मोस्ट ऑफ द प्लांट प्रोडक्ट फ्रॉम फार्मर ज़्यादातर ये जो प्लांट्स के प्रोडक्ट होते हैं ये कौन किससे हमको मिलते हैं फार्मर से क्यों क्योंकि जो फार्मर होता है यही तो अपने जो फील्ड्स होते हैं हो, उसमें ग्रो करता है क्रॉप्स को फार्मर ग्रो क्रॉप्स इन देयर फील्ड वो अपने जो फील्ड्स होते हैं हो, उसमें ग्रो करते हैं द होल सेलर बाय फूड आइटम्स फ्रॉम द फार्मर और इन फार्मर से चीज़ों को कौन खरीदता है होल सेलर होल सेलर कौन होता है जो चीज़ों को बल्क में खरीदता है मतलब क्विंटल क्विंटल से सामान को लेता है ठीक है पहले क्या होता है जो फार्मर होता है वो अपने फील्ड में क्रॉप को ग्रो करता है फार्मर से कौन ख़रीदता है होल सेलर बहुत सारी के में क्विंटल्स में सामान को ख़रीदता है और फिर इन्हीं होल सेलर से कौन ख़रीदता है रिटेल शॉपकीपर रिटेल शॉपकीपर कौन होते हैं जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं जो कुछ के सामान हमको देते हैं और उन्हीं रिटेलर शॉपकीपर से हम लोग फूड आइटम को बाय करके लाते हैं ठीक है वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर फूड जो वाटर होता है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इनफैक्ट फूड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाटर है रिक्वायरमेंट तो हमें दोनों की है लेकिन वाटर की भी रिक्वायरमेंट हमें उतनी ही है जितनी हमें फूड की रिक्वायरमेंट है वी मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर हमको बहुत सारा पानी पीना चाहिए आर बॉडी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्टली हम पानी पीते हैं सिर्फ उसी से हमारी बॉडी को पानी मिलता है हमारी बॉडी को पानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू भी मिलता है फ्रूट्स में जैसे वाटरमेलन है कोकुम्बर है इनमें क्या होता है इन फ्रूट्स में पानी बहुत ज़्यादा होता है तो आप उसको आप खाते हो लेकिन उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है ऐसे जो वेजिटेबल्स होते हैं ना ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है तो वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और वाटर हमको कहाँ कहाँ से मिलता है फ्रूट्स और वेजिटेबल से भी मिलता है नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्दी फूड हैबिट दे आर फ्यू थिंग्स विच वी शुड कीप इन आर माइंड वाइल वी आर हैविंग आर फूड जब भी आप कोई भी खाना खाते हो ना तो कुछ बातों को आपको अपने दिमाग में ध्यान से रखना चाहिए सो दैट यू शुड स्टे हेल्दी ताकि आप हेल्दी रहो स्वस्थ रहो नंबर वन वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद यू हैव टू वॉश योर हैंड अपने हाथ को अच्छे से धुलना ठीक है सेकेंड पॉइंट ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल एंड इन क्लीन प्लेस आपको खाना हमेशा रेगुलर इंटरवल में खाना चाहिए मतलब आपको सुबह ब्रेकफास्ट करना है दोपहर में लंच करना है रात में डिनर करना है तो ये आपको टाइमिंग है जिसमें आपको खाना खाना ही चाहिए बहुत ज़्यादा खाने के बीच में आपको गैप नहीं रखना चाहिए और इन क्लीन प्लेस और जब भी आप खाना खाते हो मेक श्योर sure कि आप साफ़ सुथरी जगह पर ही बैठ के खाना खाओ थर्ड यूज़ क्लीन प्लेट्स एंड स्पून आपको क्लीन प्लेट्स और स्पूनस की हेल्प से ही खाना खाना चाहिए ठीक है साफ़ सुथरे प्लेट हो स्पून आपकी जो चम्मच है वो सब कुछ साफ़ सुथरा हो मतलब आपको हाइजीन मेंटेन करके खाना खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में कोई भी डर्ट ना जाए फोर्थ पॉइंट वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर यूजिंग दैम कभी भी घर में कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल आता है तो उसको इंश्योर करो कि उसको आप अच्छे से वॉश करो ठीक है वॉश करने के बाद ही आप उसको यूज़ करना फिफ्थ इज ईट अ बैलेंस डाइट एंड अवॉइड जंक फूड हमको हमेशा बैलेंस डाइट खाना चाहिए मतलब हर एक चीज को इक्वल प्रपोर्शन में खाना चाहिए हमको चपाती भी खाना चाहिए हमको राइस भी खाना चाहिए हमको दाल भी खाना चाहिए हमको वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए मतलब हमको सब कुछ खाना चाहिए जब आप एक प्लेट में खाना लेके बैठते हो ना तो हर एक चीज़ का पोर्शन डिसाइड करके बैठा करो कि दो चपाती थोड़ा सा राइस एक कटोरी दाल इतना सब चीज़ खाएँगे तो इसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट हर एक चीज़ आपके डाइट में बैलेंस हो ठीक है एंड अवॉइड जंक फूड जंक फूड खाने से आपको बचना चाहिए बिकॉज दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी इट इज़ वेरी बैड इफ़ यू वेस्ट योर फूड टेक एज मच फूड एज यू नीड टू ईट उतना ही खाना अपनी प्लेट में लो जितना आप खा सकते हो आपको खाने को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए ऑलवेज चू द फूड प्रॉपरली Never ओवर ईट आपको हमेशा खाने को अच्छे से चू करके खाना चाहिए चबा चबा के खाना चाहिए और कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए मतलब वेन एवर यू फील हंग्री देन ओनली ईट फूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पेट भरा है और उसके बाद भी आप खाते ही जा रहे हो खाते ही जा रहे हो एट कीप द फूड आइटम कवर नेवर ईट अनकवर्ड फूड आइटम हमेशा खाने को ढक के रखना चाहिए ताकि उस पर जो फ्लाइज हैं और डस्ट हैं वो ना इकट्ठा हो पाए ठीक है खाने को हमेशा ढक के रखना चाहिए और आपको अगर ऐसा दिख रहा है कि बिना ढका हुआ खाना है तो उसको आपको नहीं खाना चाहिए अगर आप उसको खा लोगे तो आपको बहुत सारी डिसीज़ेस हो सकती हैं आपके टमी में दर्द हो सकता है ठीक है आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है इंथ नेवर ईट फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर स्ट्रीट वेंडर कौन से होते हैं जो सड़क के किनारे छोटे छोटे शॉप्स होते हैं ना वहाँ से तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना चाहिए क्यों क्योंकि वो लोग बहुत गंदा ऑयल का यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ नॉट वेरी हेल्थी फॉर यू दैट्स वाई नेवर ईट फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर ठीक है जो सड़क के किनारे छोटे छोटे से शॉप्स होते हैं ना उनसे कभी भी कुछ भी खरीद के नहीं खाना चाहिए आपको अगर कुछ खाना है तो आज यूर मदर टू कुक फॉर यू ठीक है टेंथ पॉइंट इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब बहुत सारा पानी पियो मैंने आपको बताया ना कि जितना फूड हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही जो वाटर है वो भी हमारे लिए ज़रूरी है इसीलिए हमको इंश्योर करना चाहिए कि हम जितना पानी का रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को उतना पी रहे हैं कि नहीं ठीक है ऑलवेज इंश्योर टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर ढेर सारा पानी पियो बहुत सारा Student, that's it for today. In case you have any doubt what we have discussed today, you can ask me.